हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम इस दुपट्टा से क्रिएट करने वाले हैं एक काफ्तान ड्रेस। काफ्तान भी एक डिज़ाइनर काफ्तान बनाएंगे हम, जो ये दुपट्टा है इससे। तो सबसे पहले हम इसको फोर फोल्ड कर लेंगे कुछ ऐसे। ये देखिए, ये पहले हम फोर फोल्ड कर लिया है। आप कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं, मैंने ये दुपट्टा लिया है। तो इसमें हमें साइड में और नीचे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना लेस लगाने की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम मार्किंग करते हैं। इसमें कुछ ही स्टेप होंगे और इससे हम थोड़ी सी देर में एक डिज़ाइनर काफ्तान तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें बोट नेक बनाऊंगी। आपको जैसा नेक बनाना बना सकते हैं। तो 5x5 का बॉक्स तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, और इसको यहाँ से हमने, आपकी जो भी फिटिंग है उतना लेना है। तो मैं यहाँ से लूज ही ले रही हूँ, 11 इंच मैंने लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे बाद में लास्टिक डालने वाली हूँ इसके जो वेस्ट एरिया है। तो ऊपर से हमने जो आर्म होल का निशान लगाना है वो 10 इंचेस पे लगाना है। सब में हम 10 इंच पे ही लगाएंगे, बाकी फिटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जो, जैसा कि मैंने बताया, मैं इसमें लास्टिक डालूंगी तो मैं लूज़ ही ले रही हूँ। और नीचे से आप 10 इंच भी रख सकते हैं घेरा, और ए लाइन बनाना चाहते हैं तो ए लाइन भी। तो मैं इसमें ए लाइन रख रही हूँ। मार्किंग हो गई है हमारी कंप्लीट। अब हम जो ये कर्व जो हमने बनाया है, सर जो ये हमारा नेक है, उसको कट कर लेंगे अच्छे से, इसकी गोलाई दे देंगे। ये देखिए, तो ये बोट नेक हमारा बन गया है। अब सिंपली हमने दोनों तरफ ये मार्क कर लेना है। तो ये जो इसका नेक होगा कुछ ऐसे दिखेगा। इस पे हमें या तो कोई ओरे पट्टी, या आपके पास कोई लेस है वो अटैच कर सकते हैं। तो मैं इसमें वेलवेट, मेरे पास ब्लैक लेस है तो वो मैं अटैच कर रही हूँ। एक पाइपिंग निकालूंगी मैं। तो सबसे पहले पाइपिंग निकालने का ये सबसे आसान तरीका होता है। आप पट्टी को सीधे कपड़े पे रखें और सिलाई लगाते जाएं, और फिर इसको उल्टी तरफ पलट दें। तो सबसे पहले हम इसको पट्टी को रखेंगे। तो ये आप पाइपिंग निकालना भी सीख रहे हैं। ये देखिए, ऐसे निकालते हैं हम पाइपिंग। सबसे अच्छी पाइपिंग निकालने का तरीका यही है। ना ही हमें इसमें कोई धागा ऐड करना है, सिर्फ हमें सीधा करके जो हमारा फैब्रिक है और उस पट्टी को रख देना है, और एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। तो ये हम चारों तरफ जो ये हमारा नेक एरिया है वहाँ पे मैं इसको अटैच कर लूँगी। तो आपके पास कोई अगर पुराना दुपट्टा है, या आप गर्मियों में पहनना चाहते हैं तो आप अपना कोई कॉटन का दुपट्टा ले सकते हैं। अगर सर्दी में पहनना चाहते हैं तो आपका अगर कोई स्टॉल वगैरह है तो उससे भी आप काफ्तान क्रिएट कर सकते हैं। और तो जो, और आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो एक बहुत ही डिज़ाइनर पीस तैयार करेंगे, जो कि हम लास्टिक अटैच करेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखते चलेंगे डिज़ाइनर काफ्तान कैसे क्रिएट किया जाता है, और पहनने में भी एक ये अलग ही लुक देता है। तो ये देखिए, मैंने कंप्लीट कर ली है अपनी ये एक मार्जिन की सिलाई, और इसको यहाँ पे अटैच कर दूंगी मैं। ये वेलवेट लेस है तो मुझे इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने यहीं पे इसको स्टॉप कर दिया। और अब इसमें मैं छोटे छोटे कट दे दूंगी, क्योंकि ये लेस है, लेस हो चाहे हो रहे, वो कट देने से जो झोल हम बोलते हैं वो नहीं आता है। और एक अच्छी पाइपिंग निकल के हमारे सामने आती है बहुत ही फिनिशिंग से। तो इस तरह से आपको जितनी भी पतली या मोटी पाइपिंग आपको रखनी है, आप उस हिसाब से मोड़ें, और जो हमारा जो फैब्रिक है उस पे सिलाई लगानी है हमने। ये देखिए, ऐसे बहुत ही फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग आएगी, आप कभी लगा के देखना। और फ्रेंड्स, बनाते बनाते हम कुछ बातें भी कर लेते हैं।
प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा एक चैनल और ऑल ओवर फैशन के लिए है, जिसमें हम अब हमारी ज्वेलरी भी क्रिएट करते हैं, ड्रेस भी बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये पाइपिंग बना ली है। अब हमने दोनों तरफ जो मार्किंग की थी वहाँ पे सिलाई लगा लेनी। तो ये मैं ऐसे सिलाई लगा लूँगी। तो ये हम सिलाई लगा रहे हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए जब भी आप वीडियो देखें तो लाइक ज़रूर करते जाएं और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अगर आपको अच्छा लगता हो तो। क्योंकि अभी तो हमने मान लीजिए 10 से स्टार्ट किया है, तो अभी हम 0 पे भी नहीं हैं, तो अभी हमें बहुत आगे जाना है। आपका प्यार बना रहेगा तभी हम आगे पहुँचेंगे। तो इसलिए जब भी आप वीडियो देखें तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया। आप देखिए, इलास्टिक लगाने की बारी है। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद, ये पहले भी आप इलास्टिक जोड़ सकते हैं, मैंने पहले सिलाई लगा ली है। ये 12 इंच या 13 इंच पे आप जो जितना जैसे करना चाहें, नीचे लगाना चाहें तो थोड़ा और नीचे लगा सकते हैं, तो मैंने 13 इंच लिया है। वहाँ पे आप दोनों तरफ मार्किंग कर देंगे और अपना इलास्टिक रखते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही डिफरेंट ये लुक देगा, देखना। ये देखिए, ये अब इसको खींचते हुए मैं यहाँ पे इलास्टिक लगाऊंगी। जो जब भी आप इलास्टिक लगाएं, या तो किसी दूसरे की हेल्प ले सकते हैं, पीछे से हमें थोड़ा सा इसमें खिंचाव लाना होता है। मैं तो अपने हाथ से ही कर रही हूँ। तो ये देखिए, हम दोनों तरफ इलास्टिक लगा लेंगे। आप किसी भी ड्रेस में ऐसे इलास्टिक लगा सकते हैं, ये तो काफ्तान है, बट ये शर्त ये है कि हमें जो है उसमें इतना मार्जिन रखना पड़ता है, फिटिंग अपने आप इलास्टिक दे देता है। तो इस तरह से मैं दोनों तरफ अपनी इलास्टिक को लगा लूँगी। तो ये देखिए, फाइनल लुक जो हमारा काफ्तान का है, ये कितना अच्छा लग रहा है और एकदम यूनिक है। इसको आप किसी भी टॉप पे पेयर कर सकते हैं, किसी सूट पे भी आप इसको पहन सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। ये देखिए, मैंने एक सूट पे डाला हुआ है इसको, तो ये कितना डिसेंट लुक दे रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।